तो कोरोना के खतरे को कम करने के लिए, हिंदुस्तान को जिताने के लिए हर कोई मुस्तैद है, और इस मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी कर रही हैं महिला पुलिसकर्मी, जो अपने परिवार से दूर हैं, बच्चों से दूर हैं। किस तरीके से वो अपनी इस ड्यूटी को निभा रही हैं, क्योंकि चुनौती कहीं ज़्यादा है, और किस तरीके से कोरोना के खतरे को कम करने के लिए लगातार डटी हुई हैं, हमारी सहयोगी हर्षा चंदवानी की ये रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, नर्सेस, इन सभी की तरह पुलिस भी फ्रंट वॉरियर्स की तरह हर जगह लगी हुई है। इस वक्त हम सेक्टर 22 के हॉटस्पॉट एरिया में है, जो कि पूरी तरह से सील्ड है। सोनम त्यागी जी हमारे साथ हैं। सोनम जी, सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हॉटस्पॉट एरिया में ड्यूटी लगना, ये थोड़ा सा वो भी काम हो गया, स्ट्रेसफुल काम भी होता होगा, ज़्यादा देर तक रहना पड़ता होगा यहाँ पर? हाँ जी, ज़्यादा देर तक। सुबह आ जाते हैं हम 8 AM से और शाम को 8 PM, उसके 9 भी बज जाते हैं, 8:30 भी हो जाते हैं, जब जाते हैं 12 घंटे। मैनेज कैसे करती, कितना मुश्किल है? मुश्किल तो काफ़ी है। सुबह उठ जाते हैं हम 3-4 बजे और फिर खाना वाना बनाते हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं, मेरी 1 साल की लड़की है, सुबह फिर मैं उसे नहवाती हूँ, दूध पिलाती हूँ, मतलब फिर उसे हस्बैंड हैं घर तो उन्हें छोड़ के आ जाती हूँ फिर यहाँ पे। ड्यूटी से भी आई हूँ, थकी भी हुई हूँ, बच्चे को प्यार भी नहीं दे पा रही हूँ, बच्चे को समय भी नहीं दे पा रही हूँ, उस वक्त कितने इमोशंस, कितनी भावनाएं हैं दिमाग में? बहुत लगता है, देखा अजीब सा बहुत फील होता है, एकदम से उसे देखती हूँ वो सोती रहती है, वो बात भी नहीं करती, मतलब तो बहुत ही अजीब सा लगता है, क्या करें, ड्यूटी तो है, क्या करें, फर्ज निभाना है। घर में लोगों के बीच जो कम्युनिकेशन होता है, जो बातचीत होती है, वो बहुत कम हो गई है, कभी समय मिल पाता है, कभी नहीं मिल पाता। फील्ड में भी ज़्यादा टाइम फ़ोन पे बात नहीं कर पाती होंगी? नहीं मैम, ये थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि जब मैं मॉर्निंग में आती हूँ तो सभी लोग सोए हुए होते हैं, और घर जाती हूँ तो वो लोग मेरी वजह से थोड़ा लेट नाइट सिटिंग करते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो मुझसे बात कर सके, थोड़ा इंटरेक्शन हो सके आपस में, इसलिए उन लोगों को भी काफ़ी कोऑपरेट करना पड़ रहा है मेरे साथ। लेकिन हाँ, वो मुझे बहुत हेल्प कर रहे हैं। कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? चैलेंजेस मैम बहुत हैं, इतना चैलेंजिंग है, लोगों को रोकना, उनको गाइड करना, उनको बोलना, उनके लिए हाथ जोड़ना, इतना सब बोलना, उनको सपोर्ट भी करते हैं, काफ़ी लोग निकलते हैं, काफ़ी लोग इतने मजबूर भी हो जाते हैं कि बीमार हैं, लेकिन फिर भी उनको समझाना बहुत बड़ी बात है। अच्छा, घर और फील्ड के दोनों काम को बैलेंस रखना बेहद ज़रूरी है। कभी ऐसा होता है कि जब फील्ड में आई हूँ, घर से अगर तनाव लेकर के आई हूँ तो फील्ड पे झुंझलाहट होती हो, फील्ड पे कभी गुस्सा कर दिया, कभी सहकर्मियों को कुछ कह दिया, कभी ऐसा होता है, या फिर कूल रहती हैं, काम रहती हैं? नहीं नहीं, कूल रहना आता है, जो भी ऐसे बिल्कुल कूल माइंड रहते हैं, होती है, लेकिन बाहर नहीं निकाल सकते ना झंझलाहट। मेघा की तरह कई महिला पुलिस कांस्टेबल इसी तरह से डट कर अपनी ड्यूटी कर रही हैं, और यकीनन इनकी स्टोरी सुनकर इनको सल्यूट करने का ही मन करता है। हॉटस्पॉट एरिया से वीडियो पवन तिवारी के साथ हर्ष चंदवानी, न्यूज़ नेशन।